जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीसीसी और एमसीसी के मैच के बारे में। दोस्तों यह फैन कोड ईसीएस 10 का आज का फर्स्ट मैच है और यह मैच दोस्तों दोपहर के 12:30 में स्टार्ट होगा। और जहां तक बात है दोस्तों इस मैच से रिलेटेड स्मॉल लीग और ग्रैंडली का टीम, वो मैं आपको 12:15 पे टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। हमेशा मैं 15 मिनट पहले प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग यदि न्यू यूजर हो, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो। और जो मैं आपको कम्बिनेशन प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो स्मॉल लीग का हो और या ग्रैंड लीग का हो, आप दोनों लगा सकते हो। यदि आप सिर्फ स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो स्मॉल लीग का लगाना, या ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो आप ग्रैंड लीग के साथ जा सकते हो। आज के कम्बिनेशन में दोस्तों प्लेयर को सेलेक्ट करते समय हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे, किस प्लेयर को हम लोग क्यों रख रहे हैं दोस्तों टीम में और इस प्लेयर को दोस्तों क्यों नहीं रख रहे हैं दोस्तों टीम में। ये बात आज हम लोग का सबसे हाइलाइटेड रहेगा दोस्तों। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं प्लेयर रखूँगा उसको मैं सेलेक्ट करके अपनी टीम में रखूँगा और आपको भी बोलूँगा आप इसे हेड टू हेड में यूज कर सकते हो, इस प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में यूज कर सकते हो, क्यों यूज कर सकते हो और क्यों नहीं यूज कर सकते हो, इस बात पे आज हम लोग का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। यह चीज़ आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग विन करवाने में दोस्तों काफ़ी हेल्प करती है। आप इससे क्लियर हो जाते हो कि हाँ मुझे इस प्लेयर को ट्राई करना है तो करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे को क्रेडिट प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मेरे को मैनेज करना है, किसी भी हाल में मेरे को ये प्लेयर चाहिए तो मेरे को मैनेज करना पड़ेगा क्रेडिट किसी और प्लेयर को ड्रॉप करके। ये बात बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से स्मॉल लीग का टीम, दैट मीन्स हेड टू हेड का टीम और ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो इसी वीडियो में डिस्कस होंगे। दोस्तों कम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लो और नोटिफिकेशन का घंटी बजा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये तो दोस्तों आज का T10 का फर्स्ट मैच है। इसके बाद दोस्तों हम लोग टोटल मैच कवर करेंगे T10 का और टोटल मैच में आपको टोटल डिफरेंट कम्बिनेशन देखने को मिलेंगे और ग्रैंड लीग का 5 से 6 दोस्तों इम्पॉर्टेंट टीम मिलेगा दोस्तों वीडियो में देखने के लिए। तो आप लोग दोस्तों नोटिफिकेशन का घंटी बजा देना, जिससे मैं वीडियो डालूंगा तो जो मैं आपको कम्बिनेशन बताऊंगा वीडियो में वो आप मिस नहीं करोगे, आपको इजीली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब आप इजीली देख सकते हो वीडियो को और जो मैं कम्बिनेशन दूंगा उससे आप विन कर सकते हो। कल मैं बता दूं दोस्तों हम लोगों ने T20 ब्लास्ट का जो मैच था मिडिल सेक्स वाला, उसमें हम लोगों ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट कमाया। स्मॉल लीग का मैंने आपको टीम प्रोवाइड किया था, स्मॉल लीग में सभी भाइयों ने विन किया। और मैं बता दूं मेरा जो ग्रैंड लीग का रैंक था दोस्तों 87 था, वो भी किस में, 4 लाख वाला, 4.5 लाख वाला जो मेंबर होता है कॉन्टेस्ट होता है उसमें मेरे को 87 रैंक था। तो आप सोच सकते थे कि हम लोग का कल जो ग्रैंड लीग का कम्बिनेशन था कितना बेस्ट था, टॉप लेवल पे था दोस्तों। मैंने रिजल्ट शेयर भी किया आप लोगों के साथ, आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन भी कर लो। ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं जो फाइनल टीम प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के बाद में फाइनल टीम कोई भी चेंजेस होता है तो दोस्तों वो तो मैं वीडियो में नहीं ना बता पाऊँगा, वो तो दोस्तों टास्क के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग का जो फाइनल कम्बिनेशन होगा वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो आप दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं आप आज के मैच में आप टीम कैसे बनाओगे। दोस्तों देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको 4 के साथ तो जाना नहीं है। हेड टू हेड का हम लोग बात करें दोस्तों तो एस भाटिया क्योंकि ये ओपनिंग करने आते हैं T10 में। दोस्तों एक और बात का हम लोग को ख्याल रखना है कि जो बैट्समैन 1-2-3 राउंड खेलने आता है दोस्तों उसको मेनली ट्राई करना है और जो बॉलर दोस्तों मेनली डेथ में बॉलिंग कराता है उसको हमको 100% ट्राई करना है। स्मॉल लीग हो दोस्तों या ग्रैंड लीग हो, दोनों में इस बात को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों एस भाटिया ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन दोस्तों इनका फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है, तीनों आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में ट्राई नहीं करना, ग्रैंड लीग में ट्राई करना दोस्तों। स्मॉल लीग में ए बाबू और डी ठाकुर दोस्तों ओपनिंग आते हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ए बाबू दोस्तों आपको सेकेंड राउंड बैटिंग करने आते हैं और साथ ही साथ फॉर्म इनका सही है,
तो आप दोनों को ट्राई कर सकते हो, एक को करना चाहते हो तो किसी एक को भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम लोग दोनों के साथ जाएंगे। ओ शर्मा दोस्तों बैटिंग सेक्शन में एकमात्र सबसे इम्पॉर्टेंट पिक है, बट आपको दो प्लेयर तो और चूज करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप नीचे आओगे तो एस ग्राउंड देखेंगे, ओपनिंग करने आते हैं, उतने खास फॉर्म में नहीं चल रहे, लेकिन हम लोग को चूज करना पड़ेगा क्योंकि और इससे बेटर आपको च्वाइस नहीं मिलेगा। वही नेक्स्ट दोस्तों भी सुदर्शन रहेंगे, ये फोर्थ राउंड बैटिंग करने आते हैं, एक दो मैच में अच्छे स्कोर किए हैं लेकिन उतने खास फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनसे इनसे बेटर आपको ऑप्शन भी नहीं दिखेगा। नीचे आप देख सकते हो भी हसेना, इन्हें आप लोग ग्रीन लीग में यूज़ करना, अभी के लिए हम लोग भी सुदर्शन को रख लेते हैं। दोस्तों यदि एच डाल्टन खेलते हैं मैच तो इन्हें 100% ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं दोस्तों और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, कभी भी आपको 30 से 35 रन स्कोर करके दे सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों ए हसन को जीएल में ट्राई कीजिएगा, पी यादव को दोस्तों हम लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करेंगे, विकेट टेकर बॉलर है, आप इन्हें वाइस कैप्टन करके भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। एफ हैड्रिक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे फेवरेट पिक रहेंगे आज के मैच में, बैटिंग भी करते हैं और मेनली इनका बैटिंग करते हैं लेकिन बॉलिंग भी 1 से 2 ओवर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इनका बैटिंग बहुत मजबूत है। ये है यार दोस्तों वन ऑफ द फेवरेट पिक है इस मैच के, इन्हें तो हम लोग स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो किसी में ड्रॉप नहीं कर सकते। एस चौधरी दोस्तों बहुत शानदार बॉलर है और ये आपको डेथ में बॉलिंग कराते हैं, तो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में जो बॉलर आपको डेथ में बॉलिंग कराए उसको तो हमको 100% पिक करना है और फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। एस अंबर दोस्तों जीएल में ट्राई कीजिएगा या उसमें भी आप ड्रॉप कर सकते हो, फॉर्म बहुत ख़राब है। ए अली को दोस्तों जीएल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में दोस्तों हम लोग जाएंगे भी मर्गे शाह के साथ, इनके साथ क्यों जाएंगे क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ जाते हैं और 2 ओवर बॉलिंग करते हैं, तो हम लोग इन्हें क्यों ड्रॉप करेंगे, आपको बैटिंग से भी स्कोर दे रहे, पिछले मैच में इन्होंने नोट आउट गए थे, 20+ स्कोर किए थे और ओवर भी डालते हैं, तो 100% पिक है दोस्तों स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। ग्रैंड लीग में तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपके होने चाहिए, यदि आपने कोई भी कम्बिनेशन इस पर नहीं बनाया तो दोस्तों अब वीडियो देखने के बाद बना लो, और कैप्टन वाइस कैप्टन जब मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नीचे आओगे दोस्तों तो एस वर्मा बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों, तो एस वर्मा को आप दोस्तों हेड टू हेड में ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन दोस्तों मेरे पास एक और नीचे बेटर ऑप्शन है एन मिश्रा का, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ से ए बाबू को आप ड्रॉप कर सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से और बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों आप एन मिश्रा को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो बॉलर एक विकेट लेगा आपको T10 में तो 30 पॉइंट देगा, और बैट्समैन दोस्तों 30 पॉइंट देने के लिए बैट्समैन को कम से कम 22 रन स्कोर तो मिनिमम करना पड़ेगा, और आपको भी मालूम है जिस पिच पे 60-70 रन एवरेज स्कोर है तो उस पिच पे क्या बैट्समैन से 22 रन लग सकता है, और वो भी ऐसे बैट्समैन से जिनका हाइएस्ट स्कोर रहता है 10 रन 11 रन T10 में, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। एन मिश्रा कभी भी अब विकेट लेते हैं तो 2 विकेट से ये कम नहीं लेते हैं, तो आप ट्राई जरूर करना, स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो दोनों में ट्राई करना। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से आज के मैच में आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में बनाओगे। हेड टू हेड का दोस्तों बात करें तो हयात कैप्टन होंगे हम लोग के और वाइस कैप्टन ओ शर्मा होंगे। दोस्तों 3 मेंबर वाले खेल रहे हो तो सेम रखना, 10 मेंबर वाले खेल रहे हो दोस्तों तो आप रिवर्स कर देना। कैप्टन दोस्तों ओ शर्मा को बना सकते हो और वाइस कैप्टन दोस्तों हयात को बना सकते हो, लेकिन आप मुझसे पूछो तो आप 10 मेंबर्स वाला में भी यही यूज करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दोस्तों 100% आप रिवर्स कर देना, और एक्स्ट्रा कम्बिनेशन दोस्तों ग्रैंड लीग का ध्यान से सुनना, भी मर्गेसी आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों ग्रैंड लीग में। एफ हैंड्रिक इन्हें तो वाइस कैप्टन करके एक टीम में जरूर बनाना ग्रैंड लीग में दोस्तों, कभी भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से स्कोर करते हैं और कभी भी आपको वह मैक्सिमम स्कोर करके देख सकते हैं। सेम दोस्तों पी यादव, आपको ये बॉलर कभी भी आपको 3 विकेट दे सकता है ग्रैंड लीग के लिए, तो ग्रैंड लीग में 3 विकेट का मतलब आप समझ सकते हो 80 या 90 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाता है, और यदि क्योंकि ये इकोनॉमिक रेट से कम डाले बॉल तो ऐसे तो 100 पॉइंट हो जाएगा, तो आपके लिए ये ग्रैंड लीग में गेम चेंजर हो सकते हैं पी यादव कोई भी मैच में, तो इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताया कैप्टन वाइस कैप्टन में, फर्स्ट थे ओ शर्मा, सेकेंड दोस्तों हैंड्रिक, थर्ड ए हयात, फोर्थ पी यादव और लास्ट वन दोस्तों मर्गेसी थे, भी मर्गेसी, इन्हें आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, 5ों प्लेयर को
डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ग्रैंड लीग में यदि आप 5 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सभी में एक एक को ट्राई कर लेना। हेड टू हेड में कोई चेंजेज नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया सिंपल वही रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया मैंने ट्राई किया है आपको बेस्ट देने का, और मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट मिले और आप विन करो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को देखते हुए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर दो। इसी तरह का कॉम्बिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी देखने को मिलेगा, उसमें भी मैं आपके साथ धासु कॉम्बिनेशन डिस्कस करूँगा, और किस वे में डिस्कस करूँगा दोस्तों वो आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, इसी तरह का प्यार आप लोग देते रहो, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो, आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाएगी तो आप शेयर करना। आप सभी से फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।